आय में असमानता बढ़ रही है। दुनिया में जो सबसे अमीर हैं, उनके 10% के पास पूरी ग्लोबल इनकम का लगभग 40% तक शेयर है, जबकि जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, उनमें से 10% पूरी ग्लोबल इनकम का 2-7% ही कमा पाते हैं। यदि हम विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि पर नजर डालें तो इस असमानता में 11% की वृद्धि हुई है। हाल के दशकों में हर जगह आय में असमानता बढ़ी है, लेकिन अलग अलग तेजी से। यह असमानता यूरोप में सबसे कम और मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। इन व्यापक असमानताओं को दूर करने के लिए बेहतर नीतियों की आवश्यकता है, ताकि निम्न आय वालों को सशक्त किया जा सके। साथ ही जेंडर, नस्ल या जातीयता की परवाह किए बिना सभी की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। आय में असमानता वो समस्या है जिसे वैश्विक समाधान की जरूरत है। इनमें फॉरेन मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग सुधारना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देना शामिल है। अगर हम इन्हें अमल में ला सके तो 2030 तक इस असमानता को दूर करना मुश्किल काम नहीं होगा।